लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान 2 मई को हाजीपुर से नामांकन करते हैं, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन इसके बाद दलित सभासद गुस्सा इतना फूट गया कि चिराग पासवान जिस मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं उस बाबा साहब की मूर्ति को कहीं न कहीं 51 लीटर दूध से दलित समाज के लोगों ने धुलाए साथियों, क्योंकि चिराग पासवान जिस मूर्ति को छुए थे, चिराग पासवान के लिए दलित समाज का गुस्सा इतना फूट गया कि उस मूर्ति को कहीं न कहीं दलित समाज के लोगों ने दूध से नहला दिए, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए गठबंधन से डील किए हैं उससे दलित समाज पूरी तरीके से चिराग पासवान से नाराज चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को बताया जा रहा है कि चिराग पासवान दलित विरोधी है और जिस तरीके से जिस पार्टी के द्वारा संविधान और आचरण खत्म करने की बात कही जा रही है उसके साथ चिराग पासवान का डील फाइनल हो रहा गठबंधन के साथ रहना, यही वजह है कि चिराग पासवान के साथ दलित समाज के लोग बिहार में काफी नाराज चल रहे हैं। नाराज इस कदर हो गए जब रामविलास पासवान जिस तरीके से हाजीपुर से लंबे समय से प्रतिनिधित्व किए, इसके बाद चिराग पासवान नामांकन किए, नामांकन के बाद चिराग पासवान जब जाकर कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण के बाद कहीं ना कहीं दलित समाज 51 लीटर दूध से उस बाबा साहब की मूर्ति को नहलाते हैं साथियों, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस मूर्ति पर माल्यार्पण करके जाते हैं उस मूर्ति को इस कदर से दूध से नहलाना कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा संकेत आ गया साथियों, क्योंकि चिराग पासवान को दलित विरोधी कहा गया है और जिस तरीके से जिस पार्टी के द्वारा आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात कही जा रही हो उस पार्टी के साथ चिराग पासवान का डील फाइनल होला, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति का पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया साथियों, क्योंकि चिराग पासवान से दलित समाज के लोग काफी प्रभावित रहते हैं। लेकिन इस स्थिति में चिराग पासवान का कहीं ना कहीं गठबंधन गलत पार्टियों के हो जाना पूरी तरीके से दलित समाज गुस्सा में है और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में दलित समाज का गुस्सा इतना फूट गया है कि चिराग पासवान को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेलने के लिए दलित समाज तैयार हो गया था। तो हमारी नजर बनी रहेगी चिराग पासवान के हर एक अपडेट खबर पर। अभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।